हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ कैश स्टेशन सिमुलेटर। सो गाइस, जैसा कि भाई आपको याद होगा, पिछले एपिसोड में सिर्फ हमारे पास $500 बचे थे, बट अभी 5000 से भी ज्यादा हो चुके हैं। और ये भाई इसी वजह से हो पाए क्योंकि भाई पिछले एपिसोड में हमने काफी ज्यादा आइटम्स को सेल करने के लिए परचेस करा था, तो भाई उन्हीं को सेल करके मैंने बहुत सारे पैसे अर्न कर लिए। बट गाइस, एक बार भाई आप हमारे इस पुराने से कैश स्टेशन को देखो, बट वहीं दूसरी जगह अगर हम इसको पेंट कर दें, भाई क्या ही मस्त लग रहा है ये। और भाई आप सोच रहे हो कि मैंने आधी दुकान में ये सब क्यों करा, और भाई इसका रीजन है इस वीडियो का थंबनेल। और यहाँ पर मैंने नए आइटम्स को भी इस वीडियो के थंबनेल के लिए खरीदा था, बट उससे पहले पेस्टी खत्म हो रही तो इनको स्टॉक कर देते हैं। और भाई पता नहीं इन आंटी को क्या दिक्कत है, जो आइटम हमारे पास नहीं है उनको वही आइटम चाहिए। भाई इनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट हाँ बाकी के कस्टमर्स को सर्व करने के लिए एम्प्लॉयज को बुला लेते हैं। तो पेमेंट कर दी, लेट्स गो। और सुनो बहन नीना, आप जाइए रिपेयरिंग कार के लिए, और एमली इधर आएंगी कैश रजिस्टर को हैंडल करने के लिए, लेट्स गो। और लो भाई, यहाँ पर कम से कम 6-7 वैरायटी की रखी होंगी क्या, बट इन आंटी को तो वही चाहिए जो हमारे पास नहीं है। भाई पता नहीं क्या दिमाग खराब है इन आंटी की का, बट कार पार्ट्स में ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि कार पार्ट तो मेरे पास सारी रखे हुए हैं, बट अभी ये लेडीज कर रही है, बाकी और भी लोग कर सकते हैं। तो फटाफट से मैं अपने आउट ऑफ स्टॉक वाले आइटम को मंगाई लेता हूँ। लेट्स गो भाई, काफी सारे प्रोडक्ट है कार्ट में, तो इसको चेकआउट कर लिया है और वो भाई अब जल्दी आ जाएंगे। बट अभी गैस स्टेशन की हालत देखते हुए मुझे लग रहा है मुझे इंतजार के साथ साथ अपनी गैस स्टेशन की सफाई भी कर लेनी चाहिए, क्यों नहीं। ऑलराइट गाइस, तो अभी हमारी सफाई भी डन हो चुकी है और अब हमारा ट्रक भी आ चुका है हमारे वेयर हाउस की तरफ, तो फटाफट से लीवर को ऑन करते हैं। हाँ बस यही लगा लो, यही आपके लिए सही जगह रहेगी, वरना आपके साथ कुछ बुरे काम भी हो सकते हैं। अच्छा ऑलराइट, अभी अंदर आ चुका है, तो फटाफट से भाई अपने बॉक्सेस को अनलोड करा लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भाई 7 बॉक्सेस आए इस बार, और मेरे ख्याल से ये हमारा एक न्यू रिकॉर्ड बन चुका है एक बार में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट मंगाने का। मैं नहीं मानता, काफी सही है भाई, वैसे काफी सही सही डील मिल गई थी मुझे। तो चल लेते हैं भाई अपने गैस स्टेशन की शॉप में और अपने आइटम्स को रीस्टॉक कर देते हैं। लेट्स गो, सारी सेल्फ ऑलमोस्ट लग गई है, बट भाई यहाँ पर ये प्लास्टिक बैग क्यों पड़ा हुआ है, कोई मुझे बताएगा। भाई तू तो दूर निकल ले, तेरे यहाँ पे कोई काम नहीं है, लेट्स गो। और वेट गाइस, यहाँ पर मैंने सिगरेट्स तो रखी नहीं, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। भाई नशेड़ी कहाँ जाएंगे, इनको भी तो रिस्टॉक करना पड़ेगा ना। ऑलराइट, अब भाई मैं कह सकता हूँ फाइनली हमने सारी के सारी सेल्स को रीस्टॉक कर दिया है। बट गाइस अभी यहाँ पर हमारे मन की शांति नहीं हुई है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कुछ कार पार्ट्स मंगाने की, तो देखते हैं भाई। वैसे पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे यहाँ पर हर आइटम ही ठीक ठाक स्टॉक में दिख रहा है, वरना तो भाई कोई चीज खत्म हो या ना हो टायर्स तो हमेशा जीरो ही रहते हैं। बट भाई अभी मेरा मन तो मान नहीं रहा है, और अगर हमने इसको खोला है तो कुछ आइटम्स तो मंगाने पड़ेंगे। और मैं सोच रहा हूँ इस इंजन ऑयल को मंगा लेते हैं, भाई सस्ता भी है और इसके प्राइसेस भी सही चल रहे हैं अभी, मतलब एवरेज से तो कम ही है, तो फटाफट से अपनी कार्ट में ऐड कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, मैंने सोचा तो था कि एक ही आइटम मंगाऊं, बट मुझे डील काफी अच्छी लग रही थी तो मैंने ज्यादा से ज्यादा आइटम्स मंगा लिए। क्या करें भाई, डील ही इतनी मस्ती, ग्रैब करे बिना तो मन ही नहीं कर रहा था। लेट्स गो गाइस, तो अभी मैंने अपने आइटम्स को ट्रक से उतरवा भी लिया है और अपने गैराज में रीस्टॉक भी करवा दिया है। बट गाइस, जैसा कि हर बार होता है हमारे पैसे खत्म हो जाते हैं, और फिर मैं सीधे कह देता हूँ मैं मिलूंगा आपसे कुछ पैसे कमाने के बाद, बट नहीं भाई इस बार ऐसा नहीं होने वाला। इस बार भाई हम टारगेट लगाएंगे, और मैं टारगेट लगाता हूँ $10,000 कमाने का। मैं जानता हूँ भाई थोड़ा बहुत हार्ड होगा, बट चैलेंजेस करने में ही तो मजा आता है। और ऐसा नहीं है भाई हम बस $10,000 कमाएंगे, बल्कि उनको आज की वीडियो में खत्म भी कर देंगे। भाई काफी ज्यादा मस्त चैलेंज होने वाला है, और हाँ ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने पहले ही सोच रखा है $10,000 का क्या करना है। और भाई मैं बता दूं, जो मैंने सोच रखा है ना उसके लिए 10,000 क्या 20,000 भी डॉलर कम पड़ सकते हैं, और हाँ ये जरूरी भी नहीं है कि कम पड़े। अरे कहना क्या चाहते हो, मतलब कि भाई मुझे सच में पता नहीं है कम पड़ भी सकते हैं या फिर नहीं भी। बट गाइस, आप मुझे बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम पहले से गैस नहीं कर सकते हैं, उसमें कितने पैसे लगने वाले हैं। और हाँ आप ये भी बताना हम $10,000 कितने दिन में कमाने वाले हैं। अभी आप जैसे कि देख ही सकते हो डे चल रहा है 36, और टाइम भी रात के 7 बजे का है, और आपको बताना है जब हमारे $10,000 हो जाएंगे तब कौन सा दिन चल रहा होगा आपके अनुसार। तो भाई अभी आप टाइम को नोटिस कर लो, और टाइम हमारा चालू होता है अब। लेट्स गो गाइस, तो अभी मुझे स्पीड रन करना होगा एक टाइप से अपने $10,000 को जल्दी से जल्दी कमाने के लिए, और वैसे ऐसे काम करने में काफी ज्यादा मजा भी आता है। Nice. तो देखते हैं भाई कितनी देर में होने वाला है ये सब। One eternity later. Let's go guys, speed run की starting and ending दोनों ही मेरे ख्याल से car wash से होने वाली हैं। Finally guys हमारे $10,000 complete हो गए, और वैसे इस बार हम नहीं जीते हैं, हमारे workers जीते हैं, लगता है भाई पिछली बार का बुरा मान गए होंगे। बट गाइज अभी वो टाइम आ गया है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, और भाई आप भी सोच रहे होगे ऐसी क्या चीज है जिसको हम पहले से गेस नहीं कर सकते हैं। मेरे
को तो ऐसा धक धक हो रहा है मेरे। तो वो है भाई कार वॉश का अपग्रेड। हाँ हम कार वॉश लेवल 3 को तो देख सकते हैं, वो 2500 में हो रहा है तो उसको कर भी लेते हैं। बट भाई नेक्स्ट वाले में क्या होगा सोचा है? तो देख लेते हैं भाई। आपके दिल की भी धड़कन तेज हो रही है और थोड़ी थोड़ी मेरी भी। और वेट भाई, जिसका डर था वो ही हुआ। भाई मैं चाह रहा था अपने कार वॉश को पूरा लेवल 5 तक अपग्रेड कर लूं, जिससे कि भाई हमारा कार वॉश ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर तो भाई $150 हर 2 मिनट में मिलते रहेंगे। बट नहीं भाई, $8,000 का है नेक्स्ट अपग्रेड, इसको तो अभी हम नहीं कर पाएंगे। बट ऐसा भी नहीं है कि हम अपने $10,000 को बचा के रखेंगे। और यहाँ पे मैं अपने वेयर हाउस को ही अपग्रेड कर लेता हूँ, लेट्स गो। वैसे ये भी काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा हमारे लिए, क्योंकि भाई आइटम तो हम मंगाते ही रहते हैं और हमारा वेयर हाउस भी छोटा पड़ता रहता है। और नेक्स्ट भाई मैं सोच रहा हूँ हमको वर्कशॉप अपग्रेड कर लेनी चाहिए, जिससे कि हमको कूलेंट एक्सचेंज और एक और जगह मिल जाएगी कार को रिपेयर्स करने के लिए। लेट्स गो भाई, काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है हमारा वर्कशॉप भी, अब तो हम 2 कार्स को एक बार में रिपेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, मैं जरूरी सूचना तो देना भूल ही गया भाई, आप लोग के लिए जरूरी सूचना, अगर अब आप 2 दोस्त भी हैं और आपकी दोनों की कार खराब हो गई तो भी आप एक बार में दोनों आकर हमारे कैश स्टेशन से कार को रिपेयर करवा सकते हो। तो अभी भी भाई $6,000 बचे हुए हैं, पर मुझे कैसे भी करके इनको खर्च तो करनी है, तो इसलिए सोच रहा हूँ भाई मैं अपने कैश स्टेशन को लेवल 6 पर अपग्रेड कर लिया जाए। और वैसे इसमें 3 चीजें, और सच बताऊँ मुझे तीनों में से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, इसको तो भाई अपग्रेड करने के बाद ही पता लगाएंगे। लेट्स गो, मुझे तो लग रहा है भाई इस बार हमारा कैश स्टेशन पीछे से बड़ा हुआ है। भाई आप देख सकते हो इधर से लेकर इधर था काफी ज्यादा स्पेस हो चुकी है हमारे गैस स्टेशन में, और कितनी भी चाहे हम अब अपनी सेल्फ को लगा सकते हैं, स्पेस की तो कोई कमी नहीं है। चाहूँ तो क्लब ही खोल दूँ इधर, बहकाल है तुम्हारे भाई का। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। ये तो कुछ ज्यादा होगा, बट वेट गाइस, क्या ये ट्रैश कैन भाई यहीं रखा रहेगा? ये तो यार बड़ी दिक्कत वाली बात है ना, इसको हम मूव नहीं कर सकते। और मैं भाई जब पागलों की तरह भागता हूँ तो इसमें पक्का से थूकने वाला हूँ, इसका तो मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, वरना इससे काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली हमको। और हाँ, कुछ और भी नई चीजें अनलॉक हुई थी तो एक बार उनको भी चेकआउट कर लिया जाए। हाँ तो भाई यहाँ पर तो ये कुछ भी नहीं था, मैंने यहाँ पर हर चीज देख रखी है, बट होगा तो भाई टूल्स में होगा। और हाँ भाई 3 चीजें हैं, तो यहाँ पर तीनों के नाम पड़े तो भाई एक है प्यूनोमेटिक हैमर, जिसका मुझे कोई यूज नहीं पता, बट हाँ वैक्यूम तो मेरे ख्याल से साफ सफाई के काम में आएगा। और थर्ड है एयरब्रश, इसके नाम से तो कुछ नहीं समझ में आना, बट इसके फोटो पे तो भाई पेंट वेंट गिरा हुआ है, तो मेरे ख्याल से हम इससे पेंट वेंट कर सकते हैं। बट इनमें से मेरे पास एक ही चीज को खरीदने का पैसा है, जो कि है प्यूनोमेटिक हैमर, तो इसी को भाई परचेज कर लेते हैं। ऑल राइट भाई, कुछ शोर वोर नहीं हुआ तो क्या हम लगा नहीं सकते? चलो अब शांत हो जाओ। हाँ तो भाई अपने एक बार पिनोटिक हैमर का यूज देख लिया जाए। बट भाई मेरा गैस स्टेशन, मेरा पिनोटिक हैमर, भाई तुझे इससे क्या मतलब है? जब तक हमारा गैस स्टेशन बंद नहीं होगा तब तक यूज नहीं कर सकते। एक बार इसकी जरा मोर इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ब्ला 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 भाई, बहुत ही कचड़ा है ये तो, इसको तो ट्रैश कैन में जाना चाहिए। भाई ऐसा सच में लगा कि ये ट्रैश कैन में गया? भाई अनजाने में मैं ऐसे काम कर देता हूँ, जिसके लिए मैं जानता हूँ भाई आप अपने आप को वीडियो को लाइक करने से रोक ही नहीं पाते होगे, तो क्यों रोक रहे हो भाई, लाइक कर दो। और मैं चलता हूँ अपने गैस स्टेशन को बंद करने के लिए। बट गाइस मैंने हमेशा आपसे कहा है, जहां पे भी पैसा दिखे अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए, तो मैं तो अपने कस्टमर को सर्व करने के बाद ही जाने वाला हूँ। लेट्स गो, फाइनली अपने गैस स्टेशन को क्लोज कर लिया जाए। और वैसे गाइस, जब तक मैंने अपने गैस स्टेशन को एक भी बार क्लोज नहीं करा था, तब तक तो भाई वो एक भी बार नहीं हुआ था, बट जैसे ही मैंने एक बार गैस स्टेशन को क्लोज करा भाई, अब तो मुझे लग रहा है वो आए दिन बंद ही होता रहता है। बट इस बार तो हमने कुछ चीजें सीखने के लिए करा है, तो निकाल लेते पेनोटिक हैमर। और वेट गाइस, भाई मैं जो चीज ढूंढ रहा था वही चीज मैंने अनजाने में खरीद ली, यही है भाई जिससे हम अपने ट्रैश कैन को मूव करते हैं, और मूव कर भी दिया। और वेट, यहाँ पर ये जमीन पे क्यों आ रहा है? भाई ये मत कहना कि अपनी जमीन को चेंज कर सकते हैं। और गाइस क्या ही मस्त मस्त पैटर्न है भाई इधर, एक आज जरा ट्राई करते हैं, ये सही लग रहा है। और वेट भाई, इसमें तो पैसे कट रहे, मैंने तो सोचा ट्राई करने के क्या पैसे लगेंगे, बट भाई कहो कुछ भी, काफी ज्यादा मस्त है यार ये तो, काफी सारे पैटर्न भी हैं इसमें। बट सच बताऊं तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अभी के लिए जो मैंने खरीद लिया इसी को लगा रहने देंगे। बट हाँ गाइस, मैंने आपको जहां तक ये सारे दिखाई दिए होंगे, आपको अगर कोई बढ़िया लगे तो आप मुझे बता देना, हम उसी को नेक्स्ट एपिसोड में लगा लेंगे। बट अभी के लिए तो मुझे घंटा भी कुछ नहीं समझ में आ रहा। वैसे एक चीज बढ़िया भाई इसमें, हम अपने गैस स्टेशन के सफाई के लिए फुट स्टेप लोगों के आराम से देख सकते हैं, जिससे कि अब सफाई भी भाई इजीली हो जाएगी। तो गाइस अभी मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट करा था वॉल पे, और सच बताऊं तो ये बिल्कुल ही रद्दी लग रही है। और मैंने सोच भी कैसे लिया इस सड़ी सी डिजाइन पे इस व्हाइट पेंट को करने के लिए। बट गाइस कहो कुछ भी, साफ सफाई करने में तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है भाई इन टाइल्स पे। भाई मुझे तो लग रहा है मैं एक वीडियो साफ सफाई पे ही ना बना दूं। और वेट भाई, मजाक कर रहा हूं, सच में समझ लेना, कहीं भाई पता चल रहा है अनसब्सक्राइब करके भाग जाओ। बट एक बार भाई मैं फिर से कहूंगा, मजा तो काफी ज्यादा आ रहा है। और गाइस जिससे हम जब जमीन चेंज कर सकते हैं तो छत, और गाइस भाई हम छत भी चेंज कर सकते हैं इसके, वैसे छत में ज्यादा वैरायटी नहीं है। बट भाई ये रूफ तो मुझे काफी ज्यादा मस्त लग रही है, कहाँ गई भाई।
हाँ ये रही। हाँ भाई मैं इसकी बात कर रहा था, मन तो कर रहा है भाई मैं उसी को लगा लूँ। हाँ मैं लगा ही लेता हूँ, अगर आपको बुरी लगे तो भाई आप बता देना, मैं इसको चेंज कर दूंगा, बट मुझे तो काफी ज्यादा सही लग रही है। अब थोड़ी भाई पक्की वाली फील आ रही है, एक बार जरा दूर से देखते अपने गैस स्टेशन को। हाँ भाई देखो क्या मस्त लग रहा है, अभी बिल्कुल इंडियन वाली फील दे रहा है, इंडिया में भाई बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। और वेट गाइज मैं एक बार देखना चाहता हूँ ये क्या क्या चीज चेंज कर सकता है। यहाँ पर भाई इस टेलीफोन बूथ को चेंज कर पाएगा ये? नहीं भाई यहाँ पर तो कुछ नहीं हो रहा, और भाई ये सिर्फ गैस स्टेशन के लिए है। गाइज भाई मैं सोच ही रहा था काश के हम इस छत के ऊपर जा पाए, तभी मुझे याद आया सीढ़ियाँ लगी हुई है और वो सीढ़ियाँ हटी भी नहीं है। बट भाई इस रूफ को देखना कितनी ज्यादा गंदी है, और ये साफ भी नहीं हो रही, और यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है, इस कचरे को भी नहीं उठा सकते, मतलब कि ये रूफ इतनी गंदी रहने वाली है। बट भाई एक बार देखो ऐसा नहीं लग रहा भाई क्या मस्त कारखाने लगे हो नीचे साइड? भाई बिल्कुल अपने गैस स्टेशन को तो हमने फैक्ट्री में बदल दिया। और गाइज मैं सच बताऊं तो मुझे काफी ज्यादा मस्त मस्त क्रिएटिव आइडियाज आ रहे हैं अपने गैस स्टेशन को अपग्रेड करने के लिए, तो उसको तो भाई मैं किसी और वीडियो में करूंगा। बट गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं इसी की नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू।